हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आई एम आश्चर्य बड़ौनिया। टुडे वी विल लर्न अबाउट योर बुक द नॉलेज जनरेशन, जनरल नॉलेज। दीज आर कंटेंट्स ऑफ योर बुक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। आवर एनवायरनमेंट, तो पहले इसमें है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट से अकॉर्डिंग इसमें फाइव चैप्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन, अर्थ्स लैंडफॉर्म्स। सेकंड, नेचुरल डिजास्टर्स। थर्ड, एनिमल फूड चॉइसेस। फोर्थ है आपका एनिमल इन डेंजर। और फिफ्थ है आपका यूनिक सेंसेस। फिर आता है इंडिया। इंडिया के बारे में आपको फाइव चैप्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका मैन मेड वंडर्स। सेकेंड है स्टेट्स एंड कैपिटल्स। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। फिर वुमेन हु मेड इंडिया प्राउड। फिर है लास्ट फेमस फर्स्ट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला है टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी फाइव चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका जर्नी थ्रू स्पेस। फिर है बॉडी फैक्ट्स एंड देन एनर्जी पावर हाउसेस। फिर है मैटर ऑल अराउंड। फिर आता है इन्वेंशंस थ्रू द एजेस। फिर है आर्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें आपको फोर चैप्टर मिलेंगे। फर्स्ट है आपका फेमस म्यूजिशियंस। सेकंड है कंपेयरिंग द टू। थर्ड है वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेजेस। एंड फोर्थ है विच स्पेलिंग। फिर आते हैं स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। इसमें भी आपको फोर चैप्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट आपका स्पोर्टी लैंग्वेज, फिर लेट अस प्ले हॉकी, फिर आएगा ओलंपिक्स, फिर आएगा स्पोर्टिंग लीजेंड्स। फिर है ब्रेन वर्कआउट। इसमें आपको मिलेगा गैस हाउ मैनी। फिर आता है स्पॉट द डिफरेंस। फिर आएगा लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में आपको मिलेगा बेसिक्स ऑफ योगा, सेफ्टी ऑन द रोड। और फिर आएगा मिक्स बैग वन, टेस्ट पेपर वन, बोर्ड गेम। इतना आपका कॉन्टेंट रहेगा सेक्शन ए में। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपको मिलेगा पहले आवर एनवायरनमेंट। इसमें आपको चैप्टर्स रहेंगे हेल्पफुल एनिमल्स, विच प्लांट एम आई, स्पाइसेस एज मेडिसन्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल रिकवर। फिर आता है इंडिया। इंडिया में आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं माई इंडिया, बीचेस ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ जॉय, ऑन द राइट ट्रैक, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, चार्ट टॉपर्स। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अंडर में चैप्टर हैं डिफरेंट बेस टू ट्रैवल, फूड फैक्ट्स, फाइटिंग जर्म्स, टैक्स सेवी, स्पिनिंग द व्हील, आर्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें आपको मिलेगा डांसिंग विद लीजेंड्स, फेमस कैरेक्टर्स, स्टोरी टाइम, पॉपुलर फ्रेजेस। फिर आता है स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। इसमें आपको मिलेगा रियल एंड रील, सुपरस्टार्स, लाइट कैमरा एक्शन। फिर है ब्रेन वर्कआउट। इसमें आपको मिलेगा रोड साइंस। फिर आते हैं लाइफ स्किल्स पर। इसमें मिलेगा आपको लेट अस सेव वाटर, फिर मेक योर ऑन वाइंड किम। फिर मिलेगा आपको मिक्स्ड बैग टू, टेस्ट पेपर टू। फिर लास्ट में आपको आंसर शीट दी हुई है। तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं जिसका नेम है अर्थ्स लैंडफॉर्म्स। इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैन बी फाउंड ऑन अर्थ। अर्थ पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं। लैंडफॉर्म यानी कि भू आकृतियाँ। भू आकृतियाँ क्या होती हैं? भू यानी भूमि। भूमि पर आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की शेप्स के आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, प्लेन। ये सब क्या है? भूमि का एक भाग है। इन सभी का जो शेप, साइज, सब कुछ डिफरेंट होता है। ये भू आकृतियाँ, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म्स। मैच द पिक्चर्स ऑफ दीज लैंडफॉर्म टू देयर डिस्क्रिप्शंस। तो आपको जो कुछ लैंडफॉर्म की पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको आपको मैच करना है जो कि इनका सही डिस्क्रिप्शन है। इनके बारे में जो सही डिस्क्रिप्शन किया हुआ है उसको लैंडफॉर्म की पिक्चर से मैच करना है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर पे है अ लो लाइंग एरिया फाउंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स।
विथ अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, एक लो लाइंग एरिया यानी कि समतल नीची भूमि जो कि कहाँ पाई जाती है, दो माउंटेन यानी पर्वतों के बीच या टू हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ियों के बीच, दो माउंटेन या पहाड़ियों के बीच पाई जाती है, लो लाइंग एरिया यानी समतल नीची भूमि, विथ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट जिसमें से एक नदी बहती है। तो ये क्या है, इसको हम मैच करेंगे बी नंबर से, बी नंबर की में से हम इसको मैच कर देंगे, वैली, वैली यानी कि घाटी, इसको हम इससे मैच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर, अ मास ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय स्नो इन द माउंटेंस, जो स्नो होती है, स्नो बर्फबारी, हिमपात, उससे जो बर्फ की चट्टानें बन जाती हैं माउंटेंस पर, उनको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियर, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। ये आपका सी नंबर पे मिलेगा आपको, सी ग्लेशियर, इसको इससे मैच कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर पे, अ डीप नैरो वैली विथ स्टीप रॉकी वॉल्स एंड अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, एक डीप यानी गहरी, नैरो यानी संकीर्ण, सकरी, वैली यानी घाटी, विथ स्टीप रॉकी वॉल्स, स्टीप यानी खड़ी ढलानें, जो वॉल यानी दीवार, जो खड़ी ढलान वाली दीवारों से होती हुई, एंड रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, और इसमें से क्या होती है, रिवर भी, नदी भी बहती है। एक यह डीप नैरो वैली होती है, गहरी संकीर्ण घाटी, और जिसमें क्या होती हैं आपकी खड़ी ढलानों वाली वॉल्स होती हैं, और इसमें से रिवर भी फ्लो होती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका थर्ड नंबर का कैनियन, इसको हम ए नंबर से मैच करेंगे, ठीक है, कैनियन इसको, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे, अ पार्ट ऑफ अ रिवर विच फ्लोज वेरी फास्ट, यह एक रिवर का पार्ट होता है, नदी का भाग होता है जो कि बहुत तेज गति से बहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड्स, इसको क्या बोलते हैं, रैपिड्स। तो इसको हम रैपिड्स से मैच कर देंगे फोर्थ वाले को। फिर आते हैं फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ है आपका अ हॉट स्प्रिंग फ्रॉम विच अ जेट ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज सेंट इनटू द एयर, इसमें एक पानी की धार होती है, गर्म पानी की धार जो कि हवा में जाती है, गर्म पानी की धार और भाप भी निकलती है इसमें से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गीज़र, इसको हम गीज़र से मैच कर देंगे डी नंबर से, जेट यानी गर्म पानी की धार, अ हॉट स्प्रिंग फ्रॉम विच अ जेट ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज सेंट इनटू द एयर एंड दिस इज गीज़र, गीज़र यानी कि गर्म पानी का झरना। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर अर्थ लैंडफॉर्म, इसमें हमने आपको अर्थ के लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा, भू आकृतियों के बारे में पढ़ा। आप इसको चैप्टर को दोबारा पढ़िए, इसमें मैचिंग कीजिए, और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।